वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड की ताजा बड़ी खबरें। टोक्यो ओलंपिक के बाद देश की नजरें और उम्मीदें टिकी हैं टोक्यो पैरालंपिक पर। एथलीट्स टोक्यो पहुंच चुके हैं। तय स्केड्यूल के हिसाब से 24 अगस्त को होने वाले ओपनिंग सेरेमनी में लॉन्ग जंप के एथलीट मरियप्पन थंगावेलु को इंडियन फ्लैग बेरर होना चाहिए था, लेकिन फ्लाइट के दौरान मरियप्पन एक कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आ गए और उन्हें क्वारंटीन होना पड़ा। मरियप्पन की जगह ली है जेवलिन थ्रो के एथलीट टेकचंद ने। डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी विनोद कुमार भी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने की वजह से क्वारंटीन है। हालांकि दोनों खिलाड़ी खेल का हिस्सा बने रहेंगे क्योंकि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लॉर्ड्स में चल रहे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में इंडिया टीम से रवीन जडेजा को बाहर किया जा सकता है। कारण है, पिछले दो टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जडेजा ने एक भी विकेट नहीं लिया। जडेजा की बॉल पर इंग्लैंड ने भी झोली भरकर रन बनाए। लॉर्ड्स में जडेजा के खराब प्रदर्शन से टीम मैनेजमेंट काफी निराश है, इसलिए उनको प्लेइंग 11 से बाहर किया जा रहा है। जडेजा की जगह अब अश्विन मैदान पर उतरेंगे। फिलहाल सभी बॉलर्स में अश्विन इंग्लैंड के खिलाफ सबसे मजबूत बॉलर हैं। अश्विन ने पिछले 18 टेस्ट में 88 विकेट लिए हैं। पहले के रिकॉर्ड्स भी यही बताते हैं कि रविचंद्रन अश्विन इंग्लैंड के सामने एक चैलेंजिंग बॉलर है। टोक्यो ओलंपिक में मेंस और विमेन हॉकी टीम्स में शानदार प्रदर्शन दिया था, जिसका परिणाम अभी तक पॉजिटिव ही रहा है। FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने भारत के कई हॉकी प्लेयर्स को नॉमिनेट किया है। सबसे पहला नाम है हरमनप्रीत सिंह, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में 8 मैच में 6 गोल किए थे। उसके बाद नाम आता है गुरजीत कौर का। हरमनप्रीत और गुरजीत को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए नॉमिनेट किया गया है। टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को मेन सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की कैटेगरी के लिए नामांकित किया गया है, जबकि विमेन सेक्शन में सविता पूनिया को नामांकित किया गया है। FIH सर्वश्रेष्ठ कोच के लिए मेंस कैटेगरी में ग्राहम रीड और विमेन कैटेगरी में शोर्ट मारिन को नॉमिनेट किया गया है। लॉर्ड्स में इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रही हल्की फुल्की छुटपुट की खबरें रोज ही आ रही हैं। कोई स्लैच करता है, कोई टैंपरिंग करता है, तो कोई ट्वीट करता है। अश्विन ने अपने शो में इस बात का खुलासा किया था कि एंडरसन बुमराह के पास आकर बोले थे कि तुम मुझे तेज बॉलिंग क्यों कराते हो, मैं तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता, ये धोखेबाजी है और इस धोखेबाजी को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद अगले ही दिन बुमराह ने एंडरसन के ऊपर बाउंसर की बरसात कर दी थी। इस घटना पर एंडरसन ने अब जाकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एंडरसन बोले कि मैं चौकन्ना था क्योंकि साथ वाले प्लेयर्स ने कहा था कि पिच काफी धीमी है। क्रीज पर उतरते ही जो रूट बोले कि बुमराह ज्यादा तेज बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अगली गेंद 90 mph की रफ्तार से आई। मुझे पहली बार अपने करियर में ऐसा लगा जैसे कोई मुझे आउट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। बुमराह लगातार नो बॉल फेंक रहे थे। एंडरसन और बुमराह के झगड़े के बाद विराट कोहली ने एंडरसन पर पलटवार किया था। जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं पैरालंपिक स्केड्यूल पर। 24 अगस्त से शुरू हुए पैरालंपिक 5 सितंबर तक चलेंगे। भारत एथलीट से देश को काफी सारी उम्मीदें हैं। पैरालंपिक का स्केड्यूल आ चुका है और वो कुछ इस तरह से है। 24 अगस्त को ओपनिंग सेरेमनी होगी, 25 अगस्त को टेबल टेनिस, 27 अगस्त को आर्चरी, पावरलिफ्टिंग और स्विमिंग, 28 अगस्त को एथलेटिक्स, 30 अगस्त को शूटिंग और एथलेटिक्स, 31 अगस्त को अगले राउंड का शूटिंग और एथलेटिक्स, 1 सितंबर को बैडमिंटन और एथलेटिक्स, 2 सितंबर को बैडमिंटन, पैरा कैनोइंग, ताइक्वांडो और शूटिंग, 3 सितंबर को स्विमिंग और शूटिंग, 4 सितंबर को शूटिंग और एथलेटिक्स और 5 सितंबर को शूटिंग। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी दुनिया की इंटरनेशनल और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।